देख लेंगे हम लोग पंच परमेश्वर को और सीख जाएंगे मात्र दोष स्क्वायर रूट निकालने को। तो फ्रेंड्स, सभी साथियों को नमस्कार। मैं कुमारतीश आप सभी लोगों को अरोही मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको बता दूं, हम लोग पढ़ने वाले हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट। और परफेक्ट स्क्वायर रूट पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें थोड़ा सा कुछ बेसिक बातें हैं जो हम लोग को सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। वो क्या है तो आपको मैं एक 10 सेकंड के अंदर में मैं बता देता हूँ कि वो क्या चीज़ है। जैसे मैं आपको बोल दूँ कि 0 का स्क्वायर करूँगा तो कितना होगा, 0 होगा। और आपको मैं बोल दूँ कि 1 का स्क्वायर करूँगा तो कितना होगा, 1 होगा। 2 का स्क्वायर करूँगा तो कितना होगा, 4 होगा। 3 का स्क्वायर करूँगा तो कितना होगा, आपको 9 हो जाएगा। और मैं 4 का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और मैं 5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और मैं 6 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और मैं 7 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और 8 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। बस इतना ही से मतलब है। आज में थोड़ा एक बेसिक बनाना है, बेसिक बात थोड़ा सा सीखना है। अब देख, मैंने आपको लिया 1, आप बताइए मैं किसका किसका स्क्वायर करूंगा 1 से लेकर 9 तक के संख्या में जिसका इकाई अंक में 1 बनेगा। तो 1 और 9 को जब स्क्वायर करूंगा तो इकाई अंक में क्या बनेगा, 1 बनेगा। देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, इकाई अंक में 1 है कि नहीं। मैं किसका स्क्वायर करूंगा तो इकाई अंक में 2 बनेगा 1 से लेकर 9 तक के संख्या में। तो किसी को भी स्क्वायर करूंगा तो इकाई अंक में 2 नहीं बनने वाला है। और जब 2 नहीं बनेगा तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, है ना। जब मैं किसी को स्क्वायर करूंगा इकाई अंक में 2 नहीं आएगा तो क्या होगा, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। 3 किसी को भी स्क्वायर करता हूं 1 से लेकर 9 तक के संख्या में तो 3 इकाई अंक में नहीं आता है। हाँ जी, 4 आता है। 4 किसको किसको में स्क्वायर करने पर आता है, तो 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 8 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, इकाई अंक में 4 बना कि नहीं। 5 किसके किसके में आता है, तो सिर्फ 5 5 में आता है, 5 5 में आता है। बताइए 6 किसको में आता है, तो 6 आता है जी। 4 चौके 16, 6 छः के 36, यानी जब 4 और 6 को स्क्वायर करूंगा तो इकाई अंक में क्या बनेगा, 6 बनेगा। बताइए 7 किसी में आएगा, तो 7 किसी में नहीं आने वाला, यानी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। 8 किसी में भी नहीं आएगा, किसी में भी नहीं आएगा। 9 तो 9 आने वाला है, 9 किस में आएगा, तो 1 9 3 का जब स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगा। 7 का स्क्वायर करता हूं तो 49, यानी इकाई अंक में 9 आता है। बताइए जिसके इकाई अंक में 2 है 3 है 7 है 8 रहेगा वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट रहेगा। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे रहेगा मैं आपको समझा देता हूं। जैसे √2 है, क्या इसको आप वर्गमूल निकालिएगा, पूर्ण वर्गमूल होगा, नहीं होगा, तो यह नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है कि नहीं। √3 ले लेता हूं, बताइए इसका भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। √7 ले लेंगे, नहीं होगा। √8 ले लेंगे, उसका भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो हम लोग पूर्ण वर्गमूल में यानी कि परफेक्ट स्क्वायर रूट में इकाई अंक में न 2 होगा, न 3 होगा, न 7 रहेगा, न ही 8 रहेगा। क्लियर? तो हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। तो मैंने बोला था अभी जस्ट में कि देख लेंगे हम लोग पंच परमेश्वर को और निकालने के लिए सीख जाएंगे 2 सेकंड में परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो अब वो वक्त आ गया है, 2 सेकंड में मात्र निकालने के लिए सीखेंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो देखेंगे 144 का वर्गमूल निकालना है जी, कितना होगा, जो आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट है। आप बताइए मैं पीछे से 2 अंक छट आया, वर्गमूल में पीछे से कितने अंक छटिया जाता है, 2 अंक को जोड़ा लगाया जाता है। आप बताइए मैं किसका स्क्वायर करूं जिसके इकाई अंक में 4 बनेगा। तो मैं बेसिक में भी मैं बताया हूं ना कि 2 का जब स्क्वायर करूंगा तो इकाई अंक में 4 आएगा। और 8 का स्क्वायर करूंगा 1 से लेकर 9 तक के संख्या में तो इकाई अंक में 4 आएगा, है ना। तो 8 8 64, 2 2 4। अब बताइए जो बच गया 1, अब इसी मेन मामला अटकता है कि मैं किसको स्क्वायर करूं जो कि 1 से छोटा हो, 1 के बराबर हो, लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो। तो सिर्फ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो 2 का स्क्वायर लेते हैं जब इससे बड़ा जाता है, और 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, यानी किसके बराबर आता है। तो यहां पर मैंने लिख लिया 1, तो 1 मेरा कहां गया, आंसर की ओर। हो सकता है मेरा आंसर 12 होगा, नहीं तो मेरा आंसर 18 होगा। अब बताइए इसमें हम लोग पंच परमेश्वर को भिड़ाएंगे, तो पंच परमेश्वर को भिड़ाएंगे मतलब क्या, तो जिसके इकाई अंक में 5 होगा उसी को भिड़ाएंगे। तो 12 और 18 के बीच में वो कौन पंच परमेश्वर है जिसके इकाई अंक में 5 है जी, तो 15 है। 15 है।
और इसको बिढ़ाएं और यही महोदय डिसीजन देंगे। पंच परमेश्वर पर सबको विश्वास रहता है कि नहीं रहता है? बिल्कुल रहता है, जो बोलता है एकदम परफेक्ट बात बोलता है। ये बोल रहा है कि हम एक कर करीब है, ये बोल रहा है कि हम एक कर करीब है, है ना। ये बोल रहा है कि हम इसको वर्गमूल है, ये बोल रहा है कि हम इसको वर्गमूल है। तो 15 महोदय डिसीजन कर देंगे कि इसका वर्गमूल कौन है, तू है कि ई है। तो हम लोग 15 का स्क्वायर करना जानते हैं, हम लोग 15 इसको इसलिए लेते हैं पंच परमेश्वर को कि पंच परमेश्वर को स्क्वायर करना बहुत आसान होता है। 5 का स्क्वायर कितना? 25। और क्या करेंगे, अगला में एक बढ़ा के गुना कर देंगे तो एक है, और एक बढ़ गया तो दो, और दो में एक से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि 15 का स्क्वायर 225। अब बताइए डिसीजन कर दिए? कर दिए जी। बोलें कि जब बाबू 144 है और हम खुद से स्क्वायर हुए तो आ गए 225, तो तू तो और ज्यादा हो जाएगा छोटा, इसलिए 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 12 निकल कर आ जाएगा। क्लियर? क्लियर। फिर इसी प्रकार से फिर वर्गमूल में 2 अंक छटिया। अब बताए मैं किसका स्क्वायर करूं जिसके इकाई अंक में 4 हो? सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना है, ए वाला से, ये पूरे से मतलब नहीं रखना है, सिर्फ ए वाला से मतलब रखना है। तो मैं किसका स्क्वायर करूं जिसका इकाई अंक में 4 हो? 2 के को 8 के। अब बताए मैं किसका स्क्वायर करूं जो कि 1 से छोटा हो लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो? तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 को लेंगे जी, इससे बड़ा हो जाता है ना जी, तो हम लोग किसको लेंगे? 1 लेंगे। 1 मेरा कहां गया? आंसर की ओर। हो सकता है मेरा आंसर 12 होगा, नहीं तो मेरा आंसर 18 होगा। इसके बीच में पंच परमेश्वर कौन है? तो 15 है, और 15 आपको डिसाइड कर देगा कि आंसर कौन होगा। 15 का स्क्वायर करना सब लोग जानते हैं, 15 का स्क्वायर 225। जब मैंने 15 का स्क्वायर किया तो इससे छोटा आ गया, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा ना जी, इसलिए 324 का वर्गमूल कौन हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्लियर? क्लियर। आप बताइए, आप देखिए फिर यहां से 2 अंक छट आए, तो आप बताइए मैं किसका स्क्वायर करूं जिसका इकाई अंक में 6 बने? 1 से लेकर 9 तक के संख्या में सिर्फ सोचना है। तो एगो जब मैं 4 का स्क्वायर किया तो 4 चौके 16 इकाई अंक में 6, एगो 6 का स्क्वायर किया 6 छत्तीस इकाई अंक में कितना? 6। आप बताइए कि मैं किसका स्क्वायर करूं जो कि 1 से छोटा हो लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो? तो 1 का स्क्वायर करूं तो 1 के बराबर हो जाता है, लेकिन 2 का स्क्वायर करते हैं तो 1 से बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए हम लोग 2 को नहीं लेंगे, किसको लेंगे? 1 को लेंगे। तो अभी कहां गया आंसर की ओर? हो सकता है मेरा आंसर 14 होगा, नहीं तो मेरा आंसर 16 होगा, लेकिन इसके बीच में बिना पंच ये कह रहा है कि हम इसका वर्गमूल होंगे, यही कह रहा है कि हम इसका वर्गमूल होंगे, दोनों आपस में लगड़ा झगड़ी कर रहा है ना। तो हम कहेंगे रुको 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 रुको, इसमें पंच परमेश्वर भिड़ाने की जरूरत है। तो इसमें पंच परमेश्वर कौन होगा? कौन इसके इकाई अंक में 5 है, वही ना पंच परमेश्वर होगा, तो कहेगा 15 आ रहा है इसके बीच में। चलिए 15 को ले लीजिए, और 15 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कितना होता है? 225। आप बताओ कि जब मैं 15 का स्क्वायर कर रहा हूं तो इससे ज्यादा हो जा रहा है, 196 से ज्यादा हो रहा, तो 16 का स्क्वायर और ज्यादा हो जाएगा, तो पंच परमेश्वर डिसीजन दे दिया कि नहीं तुम गलत हो, यानी 196 का वर्गमूल क्या हो जाएगा जी? 14 हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? क्लियर। अब बताए फिर, अब यहां से मैंने 2 अंक छट आया, 2 अंक का जोड़ा लग गया। अब बताए मैं आपको बताया था ना बेसिक में कि मैं किसका स्क्वायर करूंगा 1 से लेकर 9 तक के संख्या में जिसकी इकाई अंक में 9 बनेगा, तो 3 के 7 के 77 49, यानी इकाई अंक में 9। अब बताइए फिर से, अब यहां सोचिए कि मैं किसका स्क्वायर करूं जो कि 68 से छोटा लेकिन 68 से बड़ा नहीं हो? तो मैंने सोचा 8 8 64, यानी कि इससे छोटा है। फिर उसके बाद 8 के सोचने के बाद मैं 9 को सोचा, तो 9 का स्क्वायर किया तो 9 9 81, यानी कि जब इससे बड़ा हो जाता है 9 का स्क्वायर करते हैं, तो 9 को हम लोग नहीं लेंगे, किसको लेंगे हम लोग? तो हम लोग 8 को लेंगे, तो 8 को ले लिए। तो 8 कहां गया मेरा आंसर की ओर? हो सकता है मेरा आंसर 83 होगा, नहीं तो मेरा आंसर 87 होगा। ओहो, ई कह रहा है कि हम इसका वर्गमूल है, 83 और 87 कह रहा है हम इसका वर्गमूल है, तो कहा कि हाँ दोनों लड़ झगड़ रहा है, हमको लिए पंच परमेश्वर का जरूरत है। अब बताइए 83 और 87 के बीच में पंच परमेश्वर कौन है? तो 85 है। कौन है? 85 है। इसका वर्गमूल करना बहुत आसान होता है, 5 के स्क्वायर 25, और अगला में एक बढ़ा के गुना, 8 है तो एक बढ़ गया तो कितना? 7 है, 8 है तो एक बढ़ गया तो कितना? 9, और 9 8 72। जब मैं 85 का स्क्वायर किया तो 7225 आया है, कितना जी? 6889 है, ये है। तो कहा कि अरे भाई जब मैं 85 का स्क्वायर किया तो इतना आ गया, यानी कि इससे बड़ा आ गया, तो 87 का तो और बड़ा हो जाएगा। ये कुछ कह रहा है इसको कि तुमको तो स्क्वायर करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, यानी कि तुम झूठ हो, यानी कि इतना का वर्गमूल कितना होगा आपका? 83 हो जाएगा। क्लियर? फिर इसी प्रकार है, फिर मैं इसमें 2 अंक छाटा, 2 अंक छट आया,
तो दोनों छट जा लिए। अब बताइए आपको मैं बता दूं कि मैं किसका स्क्वायर करूंगा, मैं किसका स्क्वायर करूंगा जिसके एक से लेकर नौ तक के संख्या में जिसका इकाई अंक में छह बनेगा। तो वो लगता है कि चार का एगो छह का, चार चौके सोलह, छह छह छत्तीस, सोलह तो छह, छत्तीस तो छह। अब बताए मैं किसका स्क्वायर करूं जो कि उनतीस से छोटा हो लेकिन उनतीस से बड़ा नहीं हो। तो पांच का स्क्वायर पच्चीस और छह का स्क्वायर छत्तीस, यानी कि उनतीस से बड़ा आता है छह का स्क्वायर। तो छह को हम लोग नहीं लेंगे, किसको लेंगे, पांच को। ये पांच कहां गया आंसर के, हो सकता है मेरा आंसर चौवन होगा, नहीं तो मेरा आंसर छप्पन होगा। ये दोनों झगड़ा रहा है, कह रहा है कि हम इसका वर्गमूल है, ये कह रहा है कि हम इसका वर्गमूल है। तो कहें कि रुको 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 रुको, पंच परमेश्वर भिड़ाने का जरूरत है। तो बताइए चौवन और छप्पन के बीच में पंच परमेश्वर कौन है, तो पंच परमेश्वर यानी जिसकी इकाई अंक में पांच हो, तो पंच परमेश्वर कौन है, तो पचपन है, पचपन है। और जिसका इकाई अंक में पांच होता है उसका स्क्वायर करना बहुत आसान होता है, पांच का स्क्वायर पच्चीस। और इसमें क्या करेंगे, अपने मन से एक बढ़ाएंगे, तो पांच है तो एक बढ़ गया छह, तो छह पचे तीस। जब मैंने पचपन का स्क्वायर किया भाई साहब तो इससे ज्यादा हो गया, उन्तीस सौ सोलह से पचपन का स्क्वायर तीन हजार पच्चीस आ गया, तो छप्पन के तो और ज्यादा हो जाएगा ना जी, इसलिए उन्तीस सौ सोलह का वर्गमूल कितना हो जाएगा, चौवन हो जाएगा। क्लियर। फिर अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं वर्गमूल में कितने अंक छाटते हैं, दो अंक छाटते हैं। बताइए मैं एक से लेकर नौ तक के संख्या में मैं किसका स्क्वायर करूंगा जिसका इकाई अंक में चार बनेगा, एगो दो के एगो आठ के। अब बताइए आपके पास बच गया छियालीस, मैं किसका स्क्वायर करूं जो कि छियालीस से छोटा हो लेकिन छियालीस से बड़ा नहीं हो, छियालीस से छोटा हो लेकिन छियालीस से बड़ा नहीं हो। तो छह का स्क्वायर छत्तीस और सात का स्क्वायर उनचास, यानी सात का जब स्क्वायर करता हूं तो छियालीस से बड़ा हो जाता है, इसलिए हम लोग सात को नहीं लेंगे, किसको लेंगे, छह को लेंगे। छह कहां गया मेरा आंसर की ओर, हो सकता है मेरा आंसर बासठ होगा, नहीं तो मेरा आंसर अड़सठ होगा। अब बताए बासठ और अड़सठ के बीच में पंच परमेश्वर कौन है, तो पैंसठ है। और पैंसठ का स्क्वायर करना जानते हैं जी, बहुत आसान है, पांच के स्क्वायर पच्चीस और अगले में एक बढ़ा के गुना करेंगे, छह है तो एक बढ़ गया तो सात, तो सच्चा का बयालीस। जब मैंने पैंसठ के स्क्वायर किया जी तो इससे छोटा आया, इससे क्या आया, छोटा आया, तो बासठ का स्क्वायर करने पर और छोटा हो जाएगा ना, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, अड़सठ हो जाएगा, यानी कि छियालीस सौ चौबीस का वर्गमूल क्या निकल के आ जाएगा, अड़सठ निकल के आ जाएगा। एग्री है कि नहीं है, बिल्कुल एग्री होंगे। फिर से देखेंगे, अब हम लोग फिर यहां से दो अंक छट लिए। अब जब मैं किसका स्क्वायर करूं एक से लेकर नौ तक के संख्या में जिसका इकाई अंक में चार बने, तो एगो दो के एगो आठ के। बताइए अब 104 आ गया, अब बताइए मैं किसका स्क्वायर करूं जो कि 104 से छोटा हो लेकिन 104 से बड़ा नहीं हो, तो 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121, यानी कि 11 का स्क्वायर करते हैं तो 104 से बड़ा हो जाता है, तो हम लोग 11 को नहीं लेंगे, हम लोग किसको लेंगे, 10 को लेंगे। जो 10 मेरा कहां गया आंसर की ओर, हो सकता है मेरा आंसर 102 होगा, नहीं तो मेरा आंसर 108 होगा। अब इसके बीच में बताइए कौन सा पंच परमेश्वर आएंगे, तो 105 कौन आएंगे, 105। और 105 का स्क्वायर करना हम लोग जानते हैं कि 5 के स्क्वायर 25 और 11 दहा को 110। जब मैंने 105 के स्क्वायर किया भाई साहब तो इससे क्या आ गया जी, बड़ा आ गया, तो 108 के स्क्वायर करने इससे तो और बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए 10404 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। क्लियर। अब बताइए फिर से यहां से मैं वर्गमूल में पीछे से दो अंक छाट लिया, अब बताइए सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना है, ए वाला से मतलब रखना है। अब बताए मैं किसका स्क्वायर करूंगा जो कि छह से छोटा होगा लेकिन छह से बड़ा नहीं होगा, मैं किसका स्क्वायर करूं एक से लेकर नौ तक के संख्या में, सॉरी मैं किसका स्क्वायर करूं एक से लेकर नौ तक के संख्या में जिसके इकाई अंक में छह बने, तो एगो बनता है चार के एगो छह के। अब बच गया आपके पास 112। अब मैं किसका स्क्वायर करूं जो कि 112 से छोटा हो लेकिन 112 से बड़ा नहीं हो, 112 के बराबर रहेगा चलेगा, तो मैंने सोचा कि अब बताइए कि 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121, तो 11 लेंगे जी, 112 से बड़ा हो जाता है इसलिए 10 लिए, तो 10 मेरा आंसर की ओर चला गया, तो हो सकता है मेरा आंसर 104 होगा, नहीं तो मेरा आंसर 106 होगा। अब इसके बीच में पंच परमेश्वर महोदय जी को भिड़ाइए, चूंकि 104 कह रहा है कि हम इसका वर्गमूल होंगे, 106 कह रहा है कि हम इसका वर्गमूल होंगे, तो अब पंच परमेश्वर को भिड़ाइए, तो पंच परमेश्वर कौन हो जाएगा जी, 105 हो जाएगा। और 105 को भिड़ाइए तो 5 के स्क्वायर 25 और अगला में एक बढ़ा के गुना करेंगे तो 10 है तो एक बढ़ गया तो 11, 11 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110। तो बताइए इससे क्या आ गया जी, छोटा आ गया 105 का वर्गमूल स्क्वायर किए तो,
इससे क्या आ गया, छोटा आ गया, तो 104 का स्क्वायर कर दूंगा और छोटा हो जाएगा ना, इसलिए आपका आंसर कौन हो जाएगा 106, यानी कि 11236 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 106। तो मतलब चलते हैं 12544 का वर्गमूल निकालने के लिए। अब बताए दो अंक छठियां, अब बताए किसके इकाई अंक से सिर्फ मतलब रखना है ए वाला से। अब बताए मैं किसका स्क्वायर करूंगा एक से लेकर नौ तक के संख्या में जिसके इकाई अंक में चार बनेगा, तो एगो दो के एगो आठ के, 8 8 64 इकाई अंक में चार है, दो का स्क्वायर चार। अब बताए आपके पास बच गया 125, मैं किसका स्क्वायर करूं जो कि 125 से छोटा हो लेकिन 125 से बड़ा नहीं हो, तो 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144, यानी जब मैं 12 का स्क्वायर करता हूं तो 125 से बड़ा हो जाता है, इसलिए हम लोग 12 को नहीं लेंगे 11 को लेंगे, तो 11 मेरा कहां गया आंसर की ओर। हो सकता है मेरा आंसर 112 होगा, नहीं तो मेरा आंसर 118 होगा। ये कह रहा है कि हम इसका वर्गमूल है, ये कह रहा है कि हम इसका वर्गमूल है, तो हमने बोला कि अच्छा अब हमको पंचायती बैठाना पड़ेगा, तो पंचायती बैठाने के लिए इसमें पंच परमेश्वर को बुलाएं, तो बताइए 112 118 के बीच में पंच परमेश्वर कौन आते हैं, तो 115 आता है। और इसका हम लोग वर्गमूल करना जानते हैं, स्क्वायर करना निकालना जानते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 और 11 है तो एक बढ़ गया, तो 12 में मैं 11 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 12 दहा को 120 और 12 इकाई 12, यानी 120 और 12 को जोड़ूंगा तो आपको आ जाएगा 132, यानी कि 13225 आ गया। और यह है कितना जी, 12544 है ये है, तो जब मैंने 115 का स्क्वायर किया तो इससे ज्यादा आ गया, तो 118 का स्क्वायर करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा ना जी, इसलिए 12544 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 112। क्लियर फ्रेंड्स, तो फिर मैं मिलता हूं अगले वीडियो में नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के साथ, तो मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे यदि आपको अच्छा लगा होगा तब।